लगाने जा रहे हैं इसमें रियल टाइम वाला जो तरीका है ना वो हम इस पर ट्राई करने जा रहे हैं। तो अभी मैं ये जो मेरा इवेंट था पूरा का पूरा, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे रोक दूंगा। ये है ना मेरा पूरा का पूरा इवेंट लिसनर जो मैंने किया था रेडी चेंज के ऊपर, यहाँ तक का पूरा ये इवेंट था। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉमेंट करके इसकी एक कॉपी बना लूंगा। ठीक है, ये वंस वाला हमारे पास आ गया तरीका। अब इसी काम को मैंने क्या करना है, मैंने रियल टाइम वाले तरीके से करना है। आ जाते हैं जी फटाफट हम डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं कि जो रियल टाइम गेट करने का तरीका है वो कैसे है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है गेट रियल टाइम अपडेट्स। गेट रियल टाइम अपडेट्स पे आता हूँ मैं और इसका कोड देखने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्वेरी बिल्कुल उसी तरह बनी हुई है जैसे पहले बनी हुई होती थी। ठीक है, लेकिन ऑन स्नैपशॉट करके अब एक चीज़ है उसमें मुझे मिल रहा होता है ये। तो पहले तो ऑन स्नैपशॉट को आके हम क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑन स्नैपशॉट को मैंने इम्पोर्ट कर लिया और अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो पार्ट क्वेरी तक का पार्ट है ना वो उसी तरह रहेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये जो क्वेरी है ना मेरी, इसको मैं ऑन स्नैपशॉट में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस पूरे को मैं यहाँ से उठाता हूँ और अब मैं इसको, अब ये गेट डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा, अब मैं गेट डॉक्यूमेंट की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं ये करूँगा ऑन स्नैपशॉट और इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें मैं डाल दूंगा क्वेरी क्यू। और इस क्वेरी पे मैं क्या ले रहा हूँ, ऑन स्नैपशॉट ले रहा हूँ, जिससे मुझे क्या मिल जाता है, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन मुझे उतनी दफ़ा चलेगा जब जब कोई चीज़ ऐड होगी, जब ये चलना चाहिए होपफुली। और ये जो अनसब है ये क्या है, इसका अनसब्सक्रिप्शन का हैंडल है कि मुझे जाहिर है किसी ना किसी पॉइंट पे इसको अनसब्सक्राइब भी करना पड़ सकता है कि जी अब मुझे अपडेट मजीद ना भेजी जाए, अब बस आप काफ़ी हो गया अभी। ठीक है, तो अब ये ऑन स्नैपशॉट को ज़रा चला के देखते हैं। ये नीचे के जो इफ एल्स हैं ये हम रोक देते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, रियल टाइम अपडेट्स जस्ट इसमें गेट किया है। अब देखते हैं इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा किसी किस्म का। अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 121, अच्छा वो स्लैश एक एक्स्ट्रा गलती से आ गया है। कंसोल क्लियर, रिफ्रेश। डॉट डेटा इज नॉट अ फंक्शन, लाइन नंबर 126। ये क्या चक्कर हुआ, डॉट डेटा इसको नहीं मिल रहा यार, एक गड़बड़ है। लेकिन इस एग्जांपल में जो इसने दिखाया ना कि वो डायरेक्ट सिंगल डॉक्यूमेंट पे ये इसने पकड़ा है, पूरे कलेक्शन के ऊपर कैसे होता है उसकी शायद यहाँ पे कोई एग्जांपल हो, मे बी पूरे कलेक्शन पे ये कैसे पकड़ में आएगा, पूरे कलेक्शन पे मुझे चाहिए ना डेटा। तो ये वाला लिसन मल्टीपल डॉक्यूमेंट ये आ गया ना मेरा। अच्छा, क्वेरी इसमें उसी तरह बनाई है इन्होंने, ऑन स्नैपशॉट में उसी तरह क्यू डाला है। अच्छा, लेकिन अंदर जो इसमें मिलता है ना क्वेरी स्नैपशॉट मिलता है, इसमें डॉक्यूमेंट डायरेक्ट नहीं मिलता, क्वेरी स्नैपशॉट मिलता है। ठीक है, तो असल में मेरा जो वो इस तरह से करके गेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, सिंगल डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे क्वेरी स्नैपशॉट मिल रहा होगा और उसके ऊपर डॉट फॉर ईच, अब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। अच्छा, ये फॉर ईच कितनी दफ़ा चलेगा, पहली दफ़ा तो जितना डॉक्यूमेंट मिला उतनी बार चल जाएगा, लेकिन अगली दफ़ा जैसे ही कोई चेंज आएगा ना किसी एक डॉक्यूमेंट में भी, ये जितने डॉक्यूमेंट होंगे पूरे दफ़ा पे चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो है ना अब लूप यहाँ पे चलना चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट डॉट डेटा है ना वो क्या है, वो पूरा एक बुक है, डॉट उसके ऊपर बुक नेम मिलता है। सही है, देखते हैं जी बुक नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, बुक तो डेटाबेस में है ही नहीं ना अभी। सही है, बुक डेटाबेस में कोई बुक नहीं है, तो यहाँ एक बुक ऐड कर देते हैं जल्दी से। एक बुक ऐड कर दी मैंने और एक ये दूसरी बुक ऐड कर दी। ठीक है, दो बुक ऐड हो गई है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा जब, तो यहाँ पे देखो दो बुक का नाम प्रिंट हो गया,
मैं इस पे से ये बुक नेम हटा देता हूँ ताकि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो। अरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिखा हुआ रहा है? सिटीज़ डॉट पुश। अच्छा ये डॉट ज्वाइन करके इसने स्ट्रिंग करके प्रिंट करवाया ना, मैं स्ट्रिंग करके प्रिंट नहीं करवाऊंगा, मैं पूरे को। ये सिटीज़ का एक इसने वेरिएबल बनाया। अच्छा इस वेरिएबल की भी मुझे ज़रूरत नहीं है भाई दबे, और ये पुश कराने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट और डेटा को डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पर। सही है, ये क्वेरी स्नैपशॉट पर फौरी चलता है, मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करवाता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, मेरे पास ये दो बुक्स पड़ी थी, दोनों आ गई इधर। अच्छा अब इसमें बेनिफिट क्या होगा मेरे पास कि जैसे ही देखो मैं एक नया बुक ऐड करूँगा ना डेटाबेस में, तो अब देखना क्या होगा। ऐड का बटन दबाया, ये तीन चला है दोबारा, यानी क्या हो गया, वो जो मुझे इवेंट है ना वो दोबारा से मिला है। इवेंट मुझे क्या हुआ है, दोबारा से मिला है। अच्छा अब इस इवेंट को दोबारा से मिलने की सूरत में क्या करूँगा मैं, जब जब मुझे इवेंट मिलेगा मैं फॉर ईच चला के दोबारा से रेंडरिंग करवा दूंगा। अच्छा रेंडरिंग करवाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो ये करना है कि जो लोडिंग लिखा हुआ है उसको हाइड कराना है। ठीक है तो इसमें, अच्छा इसमें कहीं पे भी अवेट वाला चक्कर नहीं है ना, तो एसिंक लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है मैं किस जगह पे आके, अच्छा फॉर ईच को चलाने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, लोडिंग को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ठीक है फॉर ईच जब चलता है उससे एन एक लाइन पहले मैंने इसको हाइड करवा दिया। अच्छा अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने इसका साइज़ वगैरह चेक करना है, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अब आप खुद ही कर लेंगे कि यहाँ पे क्वेरी स्नैपशॉट का आप साइज़ वाइज चेक कर लेंगे। और बल्कि इसको भी लगा ही देते हैं ना यार, क्वेरी स्नैपशॉट हिडन करके, और मैंने क्वेरी का स्नैपशॉट का साइज़ चेक किया, अगर साइज़ ज़ीरो है तो मैंने इसमें नो बुक्स फाउंड लगा दिया। अच्छा अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर ये फॉर ईच का लूप चलेगा, और फॉर ईच के लूप चलने पर मैंने क्या करवाया है काम, ये बुक का ग्रेड उठाया, और बुक के ग्रिड में जो है ना ये वाला डेटा मैंने रखवा दिया। सही है, सही है, लेट डेटा करके मैंने ये डेटा अलग पकड़ लिया। सही है, बुक का ग्रेड का ये आइटम उठा लिया मैंने, और इसके ऊपर मैंने डेटा चेक कर लिया कि क्या आया मुझे, और उस डेटा को मैंने यहाँ पे रेंडर करवा दिया। अच्छा अब यहाँ पे ना एक होगी प्रॉब्लम, रिफ्रेश किया मैंने, ये डेटा तो आ गया मेरे पास, अगर मैं सारी बुक डिलीट कर देता हूँ तो वो देख लेते हैं कि वो सब डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चल पड़ भाई, सही है सब कुछ मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नो बुक वाला तो सही चल रहा है। अच्छा जैसे ही अब मैं एक बुक ऐड करता हूँ तो वो बुक फ़ौरन नीचे रियल टाइम में मेरे पास शो हो जाती है, लेकिन ये नो बुक फाउंड गायब नहीं होता। तो इसका ये हिडन कहाँ पे हमने किया था, हिडन वाला इसका सीन। अच्छा 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 ये हिडन तो मैंने चलाया है बाहर, लेकिन ये वो तो क्वेरी स्नैपशॉट पे चलता है वो, तो ये बार बार चल नहीं रहा। तो एक काम करते हैं इसको कट करके हम ये अंदर ले आते हैं। ठीक है अगेन ये बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि जितनी बार फॉर ईच चलेगा उतनी बार ये इसको हाइड करेगा, उतनी बार उसको हिडन उसमें ऐड करेगा, लेकिन मेरा ये वाला मसला हल हो जाएगा एटलीस्ट। अच्छा अब मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो अब मसला असल देखते हैं हम कि मसला क्या है। जब जब मैं इसमें एक नया आइटम ऐड करूँगा पुराना वाला भी रिपीट होगा और नया वाला भी रिपीट होगा, क्यों कि जितनी दफ़ा भी आइटम ऐड होता है ना तो ये पूरा का पूरा फॉर ईच जो है मेरा, कहाँ गया फॉर ईच, ये पूरा का पूरा फॉर ईच दोबारा से चलता है। ठीक है ये पूरा का पूरा फॉर ईच दोबारा से चलता है। अब मुझे इसमें कोई ऐसा तरीका करना पड़ेगा कि जब ये फॉर ईच चले अगली दफ़ा तो पहले वाले आइटम पहले रिमूव करे और फिर नए सिरे से उस दोबारा आइटम को वो ऐड करे। अब कौन मुझे बताएगा कि ये कैसे होगा काम, नहीं फॉर ईच के अंदर, फॉर ईच के अंदर मैं क्या लिखूं, डॉट पैरेंट
फॉर ईच चलाने से पहले तो ये चलेगा नहीं ना। देखो फॉर ईच चलाने से पहले मैंने आगे लिखा है यहाँ पे कि भाई ग्रिड, और मैंने कहा कि जी बुक ग्रिड डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू एम टी। अब ये चलेगा नहीं, ये क्यों नहीं चलेगा? ये पहली दफ़ा तो चल जाएगा, लेकिन जब मैं अगला ऐड करूँगा ना यहाँ पे तो फिर ये नहीं चल। अरे चल गया, ये कैसे चला यार? हिडन क्यों नहीं चल रहा था फिर यहाँ पे? हिडन भी तो मैंने यहीं लिखा था। चलो चल गया तो अच्छी बात है। नहीं वैसे इसने इसको असूलन चलना तो नहीं चाहिए। हाँ नहीं चलना चाहिए यार, ऑन स्नैपशॉट में इन्हें फंक्शन दिया है ना, तो इवेंट का फंक्शन, जब जब इवेंट आता है तो पूरा फंक्शन चलता है। सही है, तो चलो अच्छी बात है। यहाँ पे हिडन भी चलना चाहिए फिर तो यार। रिफ्रेश, हाँ चाहिए, हिडन भी चल रहा है। उस टाइम क्यों नहीं चला था? सही है, अच्छा चलो अब जल्दी जल्दी हम अगले मसले की तरफ मूव करते हैं। अब देखो जब मैं एक नया आइटम ऐड करूँगा ना, इसमें मैंने एक नया आइटम ऐड किया, ये एक मैं नया आइटम ऐड कर रहा हूँ। अब देखो ये रैंडमली ना शुरू में या आखिर में या दरमियान में कहीं पे भी चला जाएगा, दरमियान में चला गया। अब इसका क्या हल है भाई? इसका हल ये है कि जब मैं डेटाबेस में डेटा ऐड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसमें टाइम स्टैम्प उसके साथ में ऐड करूँगा कि ये डेटा कितने बजे ऐड हुआ है। और जब मैं डेटा मंगवाऊँगा तो उसको मैं क्वेरी लगा के मंगवाऊँगा और उसको मैं सॉल्ट करवाऊँगा किसके ज़रिए, उसी टाइम स्टैम्प के ज़रिए। तो मुझे डेटा जिस ऑर्डर में ऐड हो रहा है उसी ऑर्डर में वापस मिलेगा। अच्छा टाइम स्टैम्प कैसे होता है ज़रा देख लेते हैं हम। अच्छा डॉक्यूमेंट में उसको तलाश कर सकते हैं हम, लेकिन टाइम ज़रा कम है अभी, तो मैं वैसे ही फायर स्टोर टाइम स्टैम्प अलग से मैं लिख लेता हूँ ज़रा ना। जब हम डेटा को ऐड कर रहे होते हैं ना तो हमें जस्ट एक वहाँ पे टाइम स्टैम्प करके एक लगाना होता है। अच्छा मुझे याद आ गया कि वो कैसे होता है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक चीज़ इम्पोर्ट करूँगा। अरे यार ये इंटेलिजेंस में दे ही नहीं रहा। हाँ ये देखो इस तरह से करके मैं इंपोर्ट करूँगा टाइम स्टैम्प, और जब मैं डेटा ऐड करने लगूँगा ना तो मैं क्या लगाऊँगा, ऐसे की दूँगा और उसके आगे वैल्यू दूँगा इस तरह करके, सर्वर टाइम स्टैम्प करके। इसने सर्वर टाइम स्टैम्प क्यों लिखा है भाई? यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और लिखी है, स्पेलिंग कुछ और लिखी, क्या किया इसने ये? वेल इसकी स्पेलिंग देखना चाह रहा था मैं, वो मुझे मिल गई है। टाइम स्टैम्प यहाँ लिखा मैंने, और अब जहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड होता है ना, डॉक्यूमेंट ऐड मैं कहाँ करता हूँ, सबमिट वाले फंक्शन में करता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखूँगा, क्रिएटेड ऐड, और करके मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐसे लगा दूँगा ना। टाइम स्टैम्प क्या चीज़ है? अब टाइम स्टैम्प को कॉल करके देते हैं या वैसे ही देते हैं ये मैं भूल गया हूँ। चलो जल्दी जल्दी दोनों ट्राई कर लेते हैं, एक वैसे ही देके ट्राई कर लेते हैं और एक में कॉल करके देके ट्राई कर लेते हैं कि दोनों में से ना किस में वो सही पहुँचता है। यार इसको क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में।
अच्छा अब फंक्शन है ये, ठीक है, वैल्यू इसकी फंक्शन है तो ये कॉल करके डालेगा। वो कह रहा है कि भाई अनसपोर्टेड चीज़ आपने डाल दी, एक फंक्शन है उसको आपने फंक्शन डाल दिया, फंक्शन को हम स्टोर फायरबेस में नहीं करवा सकते, ऐड टू डेटाबेस। अब क्या मसला है? अच्छा न्यू भी लगेगा इसमें, अभी अब क्या मसला है? यार किसी को यहाँ पे पता है ये टाइम स्टैम्प कैसे लगता है इसमें? अच्छा यहाँ पे भी इन्होंने सर्वर टाइम स्टैम्प करके लिखा है, अब कहीं पे यार वही प्रॉपर इन्होंने एग्जांपल ही नहीं लगाई भी। ओ फाइनली मुझे ये मिल गया एक एग्जांपल, लेकिन ये मिला किस में है ये भी तो देखो ज़रा। टाइम स्टैम्प नहीं है कि सर्वर टाइम स्टैम्प है और इसको कॉल करके डाल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा टाइम स्टैम्प अलग चीज़ है, सर्वर टाइम स्टैम्प अलग चीज़ है। सर्वर टाइम स्टैम्प हमें चाहिए ना, हमें जो चाहिए वो सर्वर टाइम स्टैम्प है। ये गलत है यार, चीज़ों को ऐसे अपडेट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ टाइम स्टैम्प ना पहले था नहीं इसमें, ये मेरा ख्याल है अभी आया है। अच्छा आप क्रिएटेड एड में ना ला रहे हैं। अच्छा सही हो गया, क्रिएटेड एड में ना वो आने लग गया टाइम जो आना था। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके जब मैं देखूँगा इसको तो मेरे पास इसमें ना देखो टाइम स्टैम्प क्रिएटेड ऐड करके ना ऐसे टाइम स्टैम्प मुझे मिल रहा है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी जो क्वेरी है, जो मैं क्वेरी इस पे लगाता था पहले, उस क्वेरी के अंदर इसको सॉल्ट करूँगा ना। इसको भी हम जल्दी सर्च कर लेते हैं, सॉल्ट क्वेरी फायर स्टोर JS, ताकि हम उसी जगह पे चले जाएँ। ऑर्डर एंड लिमिट, ये आ गया ना ऑर्डर एंड लिमिट, ये देख रहे हो क्वेरी जो हमने लगाई है, इसके अंदर हम अब क्या लगाएंगे, ऑर्डर बाय और लिमिट भी हम लगा सकते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर डॉक्यूमेंट में 10,000 डॉक्यूमेंट्स अगर मिलते हैं मुझे कलेक्शन में, तो उसमें से कितने लेकर आओ, 100 लेकर आ जाओ, 200 लेकर आ जाओ, ठीक है, तो लिमिट भी लगा सकते हैं। इसमें पेजिनेशन के लिए खास तौर पर लिमिट इस्तेमाल होता है, पेजिनेशन इसके बगैर पॉसिबल नहीं होती। पेजिनेशन वो होता है कि पेज के लास्ट में जो लिखा होता है नेक्स्ट, है ना,
1, 2, 3 करके वो अलग अलग पेजेस बनाए हुए होते हैं, तो लंबी लिस्ट जहाँ भी होती है वहाँ पे पेजिनेशन हुआ हुआ होता है। अब उसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह सर्वर जब पढ़ेंगे जब जाएंगे और वो हम MongoDB के साथ करेंगे, अभी इस पर ज़्यादा टाइम लगाना मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। तो जस्ट ये ऑर्डर बाई करके ना मैं क्या लिखूँगा वो लगा दूंगा मैं टाइम स्टैम्प। अच्छा जी, आ जाते हैं हम हमारे क्वेरी पे आ जाते हैं, क्वेरी जहाँ पे लगाई है हमने, ठीक है ये हमारी क्वेरी है ना। तो हमारी क्वेरी अब क्या होनी चाहिए, हमारी क्वेरी अब ऐसी होनी चाहिए। ओके ज़रा देख के जल्दी से इसको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, क्वेरी, और पहले इसके पैरामीटर में कलेक्शन आ गया, दूसरे पैरामीटर में मैंने दे दिया इसको ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई में मैंने कह दिया क्या था, क्रिएटेड एट, क्या मैंने यहाँ पे नाम रखा था, क्रिएटेड एट रखा था। ठीक है क्रिएटेड एट ऐसे करके मैंने कर दिया। ठीक है देखते हैं जी अब क्या होता है। अब जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आना चाहिए ना सर्वर से उठ के, वो क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, अच्छा क्वेरी ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ और ऑर्डर बाई भी इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, क्वेरी इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ और ऑर्डर बाई इंपोर्ट नहीं हुआ, ये दोनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया ऊपर, रिफ्रेश किया, अभी तो मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट था, अब मैं डालता हूँ न्यू करके एक दूसरा, तो अब मेरे पास ये देखो उसी ऑर्डर में आ रहा है जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, मैंने कहा न्यू 1 मज़ीद लिखा तो अब आ गया, न्यू 2 मज़ीद लिखा तो ऐसे आ गया, न्यू 3 वैसे आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो भी ये इसी फॉर्म में रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब मैं जो इसको मंगवाता हूँ ना सर्वर से वो मैं इससे सॉल्ट करके मंगवा रहा हूँ, डेट से मैं सॉल्ट करके मंगवा रहा हूँ। इसको सॉल्ट क्या कर सकते हैं, हम अपोजिट ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे अपोजिट में करना है तो मैं साथ में ये DESC लगाऊँगा ना तो ये अपोजिट में हो जाएगा। ऑर्डर बाई कहाँ गया, ऑर्डर बाई हाँ ये ऑर्डर बाई है ना, इसमें कॉमा डाल के अगर मैं डिसेंडिंग लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है लास्ट से न्यू की तरफ। जैसे चैट ऐप वगैरह होती है आमतौर पे, उसमें मैं आमतौर पे इसको अपोजिट लगाना होता है कि जी जो नई चैट है ना वो टॉप पे दिखे, यानी अब मैं जो नया आइटम ऐड करूंगा वो मुझे टॉप पे दिखेगा। चैट में इस तरह होता है ना कि नई चैट मुझे टॉप पे दिखानी होती है, या नई जो भी चीज़ होती है फेसबुक की फीड में उन्हें नई चीज़ टॉप पे दिखानी होती है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये वाला हो गया। अच्छा तो आज की क्लास में हमने क्या देख लिया कि डेटाबेस फायरबेस का, लास्ट क्लास में हमने राइट करना सीखा था, आज हमने रीड करना सीखा है, और रियल टाइम वाला रीड करना भी हमने सीखा है, और उसको हमने रेंडर भी करवा लिया है। अच्छा मेरे ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एडिट और डिलीट करके फायरबेस को निपटाने की कोशिश करेंगे।